नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने भक्ति काल के अत्यंत ही प्रसिद्ध सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं पर, रचनाओं की संख्या और कौन कौन सी रचनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, प्रसिद्ध हैं, इस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सैयद अली मोहम्मद ने जायसी की कुल 14 रचनाएं बताई हैं। ध्यान में रखना है, सैयद अली मोहम्मद ने जायसी की कुल 14 रचनाएं बताई हैं और वे 14 रचनाएं इस प्रकार हैं। पद्मावत, अखरावट, सखरावट, ये तीन रचनाएं हुई, पद्मावत, अखरावत, सखरावत और चंपावत। चंपावत चौथी रचना है, उसके बाद इतरावत, चंपावत चौथी रचना है, उसके बाद इतरावत। इतरावत के पश्चात जो है मटकावत, उसके बाद चित्रावत, ये सातवीं रचना है चित्रावत, उसके बाद खुरवा नामा, यह जो है आठवीं रचना है, उसके बाद मोराई नामा, नौवीं रचना है, और मुकहरा नामा, और उसके बाद है मुखरा नामा, मुकहरा नामा, मुखरा नामा, पोस्ती नामा, पोस्ती नामा, और पोस्ती नामा के बाद होली नामा, और उसके बाद जो है आखिरी कलाम, आखिरी कलाम, ये 14 रचनाएं सैयद अली मोहम्मद ने बताई हैं कि ये जायसी की रचनाएं हैं। डॉक्टर हुकुमचंद राजपाल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में बताया है कि मलिक मोहम्मद जायसी की 21 रचनाएं हैं। डॉक्टर हुकुमचंद राजपाल के अनुसार
जो उन्होंने बताया है कि मलिक मोहम्मद जायसी की 20 से 21 रचनाएं हैं, 20 से 21 रचनाएं हैं, जिनमें 6 रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। 6 रचनाओं में तो एक पद्मावत है, दूसरी रचना अखरावत है, और फिर तीसरी रचना जो है आखिरी कलाम है, जो डॉक्टर हुकुमचंद राजपाल के अनुसार बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, गौर करना है। चौथी प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण रचना जो है उनकी चित्र रेखा है, चित्र रेखा चौथी महत्वपूर्ण रचना। पांचवी महत्वपूर्ण रचना जो है मसलानामा है, मसलानामा है। और छठी महत्वपूर्ण रचना जो है वह कहरानामा है। तो यह देखेंगे डॉक्टर हुकुमचंद राजपाल ने कहा है कि 20-21 रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी की कही जाती हैं, जिनमें पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम और फिर चित्ररेखा, मसलानामा और कहरानामा, ये जो हैं 6 रचनाएं जो हैं वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में उन्होंने कहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी की 24 रचनाएं कही जाती हैं। वे कहते हैं कि विद्वानों के अनुसार और अद्यतन शोध प्रबंधों के अनुसार मलिक मोहम्मद जायसी की 24 रचनाएं कही जाती हैं, मिलती हैं। इनमें देखिए कि इतनी रचनाओं को हम जान चुके हैं, और फिर जो रचनाएं हैं, शेष रचनाएं, उनमें शेष रचनाएं जो हैं उनमें नैनावत, नैनावत है, उसके बाद सुहरानामा है, सुहरानामा है, सुहरानामा के बाद जो रचना है वह है मेखरावत, मेखरावत। मेखरावत है, और फिर मेखरावत के बाद जो रचना है उनकी धनविता है,
धर्मिता के बाद जो मलिक मोहम्मद जैसे की रचना है वह सोरठा है। परमार्थ जयंती है। स्फुट छंद है। स्फुट छंद है और एक जो है वह महरि जायसी है। तो इतनी रचनाओं का पता चलता है। इनमें सबसे अच्छी रचना जो है और मलिक मोहम्मद जैसी की कीर्ति का, अमर कीर्ति का आधार जो है वह पद्मावत ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बात करेंगे मुखहरा नामा और मुखरा नामा की। लिखते समय मैंने पहले उसमें स्लैश लगा दिया था। मुखहरा नामा और मुखरा नामा, जहाँ तक मेरी समझ है ये दोनों एक ही पुस्तक के अलग अलग लोगों के द्वारा उच्चरित दो नाम है। काफ और हे को मिलाकर लिखेंगे तो मुखरा नामा हो जाएगा, और काफ और हे को अलग अलग करके लिखेंगे तो मुखहरा नामा हो जाएगा। काफ और हे ख होता है, यह पता है। मीम वाव काफ हे को मिला देंगे, रे अलीफ, नून अलीफ, मीम अलीफ, तो मुखरा नामा बनेगा। और ये भी है, मीम वाव काफ हे मिला करके रे अलीफ मुखरा और नून अलीफ और मीम अलीफ, तो मुखरा नामा। ये दोनों एक ही पुस्तक के ग्रंथ के दो अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग उच्चारण हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया वो दोनों एक ही पुस्तक के उच्चारण भेद से दो नाम हैं। उच्चारण भेद जो है व्यक्ति भेद से उच्चारण भेद हुआ करता है, जब आएंगे उस पर तो बात करेंगे। उच्चारण भेद जो है कई कारणों से हुआ करता है, यह भाषा विज्ञान का विषय है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत ही मनोरंजक और रुचिपूर्ण विषय है कि कलम, मैं ही कलम जितनी बार बोलूँगा तो अलग अलग उच्चारण होगा, एक जैसा उच्चारण कभी नहीं होता है। आवृत्ति भेद से उच्चारण भेद हुआ करता है, यह ध्यान में रखना है। तो भाषा विज्ञान में जब आएंगे तब इसकी चर्चा होगी कि उच्चारण भेद किन कारणों से और किन किन परिस्थितियों में हुआ करता है। काल भेद से उच्चारण भेद हो जाता है, स्थान भेद से उच्चारण भेद हो जाया करता है, तो इस तरह से जो है उच्चारण भेद हुआ करता है। तो ये जो दोनों मुखहरा नामा और ये मुखरा नामा, तो बस एक ही पुस्तक के दो अलग अलग उच्चारणगत नाम हैं और कोई अंतर दोनों में नहीं है।
मलिक मोहम्मद जैसे कि रचनाएं जो हैं संख्या की दृष्टि से विवादों से शून्य नहीं हैं, विवादों से घिरी हुई हैं रचनाओं की संख्या मलिक मोहम्मद जैसे की। और कोई कहते हैं कि 14 रचनाएं हैं सैयद अली मोहम्मद के अनुसार, और डॉक्टर हुकुम चंद राजपाल के अनुसार 20-21 रचनाएं हैं, जिनमें 6 रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार उनकी 24 रचनाओं का पता चला है विद्वानों को और शोधकर्ताओं को, उनकी 24 रचनाओं का पता चला है, जिनमें 5-6 रचनाएं ही वे भी बताते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह भी बताते हैं कि 5-6 रचनाएं ही महत्वपूर्ण हैं, शेष रचनाएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।